खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। मंगलम विद्या विहार में आज गांधी व शास्त्री जयंती मनाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंगलम सीमेंट प्रेसिडेंट व स्कूल चेयरमैन सुनील सचान रहे। बहुत से बच्चे गांधी व शास्त्री जी बनकर आए व सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने धर्मों की प्रार्थनाएं प्रस्तुत की। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सफाई कर्मचारियों द्वारा सिंह रेखाबाई धापूबाई व विक्रम सिंह को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के संगीत शिक्षक मोहित मेहता को भी राजस्थानी लोक संगीत एवं ध्वनि तकनीक पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए बेस्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर आदित्य नगर बसंत विहार कॉलोनी में रैली निकाली गई। पूरी रैली में छात्र छात्राओं ने स्वच्छता पर आधारित व गांधी व शास्त्री जी के जयकारों के नारे लगाते हुए वातावरण को गुंजायमान कर दिया। सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह दिखाया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में गांधी जी व शास्त्री जी के आदर्शों पर चलने का उद्बोध किया और कहा कि अभाव या संसाधनों की कमी भी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। अंत में प्रधानाचार्य गोविंद शर्मा ने अतिथि महोदय का उनकी उपस्थिति सक्रिय भागीदारी सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों से गांधी जी व शास्त्री जी के देश हित के लिए किए गए बलिदान को व्यर्थ न जाने का आह्वान करते हुए अच्छे नागरिक बनकर अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी की अध्यापिका प्रतिभा सोनी ने किया। गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे मुख्य बात हमें समझना है कि वो कौन सी घटना है जिसने एक साधारण पुरुष मोहनदास महात्मा गांधी बना। समय जगत न्यूज के लिए रामगंज मंडी से पप्पू गौड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।